संभालिए अपने आप को व्रता, यही हमारी गौरवशाली परंपरा है। नहीं, ये नहीं हो सकता माचा, ये नहीं हो सकता। व्रता, व्रता रुक जाइए। राजकुमार को यहाँ नहीं आना चाहिए था महारानी सर, अभी वो बच्चे हैं। नहीं गिरजा, प्रताप को अपनी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक देखना है, सहना है। उनके रक्त में सिर्फ उबाल नहीं बल्कि दुख को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। मासा, हम ये नहीं होने देंगे। प्रताप हमारी बात सुनिए, क्षमा करें मासा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो बच्चों से उनकी माताओं को छीन ले। प्रताप, जिन परिस्थितियों में, परिस्थितियां जैसी भी हो मासा, पर धधकती अग्निकुंड में हमारी अपनी माँ है। नहीं मासा। प्रताप, हम हमारी माँ, हमें नहीं मानना मासा ये सब। प्रताप, प्रताप, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर आपको भी हमारी बात समझनी होगी। जौहर के मार्ग पर राजपूत वीरांगनाओं को किसी ने बलपूर्वक नहीं भेजा है, ये मार्ग छत्राणियों का अपना चुनाव है। प्रताप, हमारे लिए ये परंपरा हमारे स्वाधीनता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। आप शायद इसके औचित्य को अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अपने मासा के शब्दों और विचारों का मान रखें और स्थिति को अधिक कठिन ना बनाएं। मृत्यु हर एक की नियति में है, अंतर सिर्फ इतना है कि वीर अपनी मृत्यु खुद चुनने की क्षमता रखते हैं। अपने बर्ताव से अपनी माताओं की वीरता पर संदेह कर रहे हैं आप प्रताप। लेकिन मासा, अगर शत्रुओं की पराजय हुई तो शम्स खान का सर हमारे विरोध उठने से पहले ही झुका दिया गया तो? ऐसी परिस्थिति में जौहर नहीं होगा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये हमें पता नहीं है, परंतु अभी जो हमारा धर्म कहता है हमें उसका पालन करना है। संसार में अकेला छोड़कर जाने का विचार हमारे लिए कितना दुखदायी है, ये हम आपको कभी नहीं समझा पाएंगे। प्रताप, गिरजा दाई, दूर की सारी स्त्रियों को सूचना दे दे कि हम उनसे अभी मिलने आ रहे हैं।
हुकुम। बहुत अच्छे, ये संदेश बीकानेर के राणा के लिए। ध्यान रहे, इस पत्र पर और किसी की दृष्टि का अधिकार नहीं। लीजिए। चाहे प्राण चले जाए महाराज, परंतु मेवाड़ नरेश का संदेश किसी और के हाथ नहीं जाएगा। चाहिए। अम्मा घड़ी महाराज, आशा करते हैं कि बीकानेर नरेश ये संदेश पाते ही सहायता के लिए अपनी सेना भेज देंगे। खंबा घड़ी हुकुम। खबा कीजिएगा हुकुम, किंतु एक बुरा समाचार है। क्या समाचार? समाचार मिला है कि कल रात ही शत्रु पक्ष के सारे घोड़ों को निरा बख्तरों और हथियारों से लैस कर दिया गया। कल रात ही? जी हुक्म। और इसका अर्थ यह है कि शम्स खान हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, और हमारे मित्र राज्य दो दिन से पहले हमें सैन्य बल नहीं भेज सकते। रावत जी, आप शम्स खान के पास उसकी छावनी में जाएंगे। शम्स खान के साथ लड़ते हुए मेवाड़ के लिए अपना सर कटाना हमारे लिए गर्व की बात है। होकर बताइए कब निकलना है। रावत जी, आपका सर मेवाड़ के लिए सदा मूल्यवान था और सदैव रहेगा। आपको शम्स खान की छावनी में शांति का संदेश लेकर जाना है। हुजूर। बोलो इनायत। बुलाया जाए। जी हुजूर। हुजूर, बस इससे आगे नहीं। जैसा आप ठीक समझे। चुंडावत, यही नाम है ना तुम्हारा? जी चुंडावत, सरदार, जिन्होंने पीढ़ियों से मेवाड़ के शाही तख्त पे बैठने वाले राजा की हिफाजत को अपना फर्ज माना। उसी खानदान के चश्मोचिराग है आप। मेवाड़ का राजा जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत करता है, इतनी कि वतन पर कुर्बान होने का सबसे पहले मौका देता है। वही चुंडावत है आप। शम्स खान, आपको हमारे कुल की इतनी जानकारी है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आभार? बोलो चुंडावत, क्या पैगाम लाए हो? उदय सिंह ने सबसे वफादार, सबसे करीबी सिपा सालार को शेर की मांद में क्यों भेजा है? बोलो चुंडावत। अब मेवाड़ नरेश महाराज उदय सिंह का निमंत्रण लेकर आए हैं आपके पास। निमंत्रण? यानी दावतनामा? उदय सिंह ने भेजा हमारे लिए? भाई वाह, बहुत खूब। महाराज चाहते हैं कि आप अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ
हमारे राजमहल पधारे। सुना है ना, उदय सिंह ने दावतनामा भेजा। आदिल अपने हिफाजती दस्ते के साथ अफजल बाइज्जत अपने महल में बुलवाया है। भाई वाह, मजा आ गया। चुंडावत, क्या हम जान सकते हैं किस खुशी में बुलवाया है आपके महाराणा उदय सिंह ने अपने राजमहल में? कल आपको राज्य का महसूल देने का दिन है और इस बार मेवाड़ आपके महसूल का हिस्सा आपको स्वर्ण मुद्राओं में नहीं दे पाएगा। क्योंकि इस समय राजकोष की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये बात है, हमारे सामने रहम की भीख मांगने आए हो? ना 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 महसूल के मामले में कोई रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी दोस्त। मेवाड़ महसूल अदा करेगा शमशान, स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि हथियारों के रूप में। किस शक्ल में? पीढ़ियों से जिन अस्त्र शस्त्रों को मेवाड़ के राणा सम्मान सहित पूजते आए हैं, उन सभी अस्त्र शस्त्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और आपको उनमें से जो भी पसंद हो आप चुन सकते हैं। ये महाराज उदय सिंह का प्रस्ताव है आपके लिए और निमंत्रण भी। चलते हैं। मंजली रानी सा, आपको तो अवश्य ही पता होगा महारानी जी सा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मेवाड़ की असली महारानी है जेवंता जीजा, सब उनको ही पता रहता है। अब ये तो एक लिंगेश्वर नाथ की कृपा है कि हमें सोचने और समझने का दायित्व ही नहीं दिया। भाई जितनी सोच उतनी चिंता, और भला कौन करता है चिंता का आलिंगन। सच कहा ना मैंने। क्या बात है पार्वती, हाँ इधर आओ, शर्मा क्यों रही हो? आओ, हाँ बड़ा शर्मा रही है। बहुत शीघ्र ही इसका विवाह होने वाला है रानी सा। अच्छा है, अभी से शर्मा आरंभ कर दिया। अच्छा है, जितना सकुचाओगी जितना लज्जाओगी उतना ही तो पाओगी। कैसे बोलो बोलो, कैसे कैसे? नहीं पता, रानी भटियानी जैसे। अब देखो ना, हमसे तो सकुचाया गया नहीं, तो श्री जी ने हमारे कक्ष में आना बंद करके महारानी भटियानी। बाकी तो आप सब समझ सकते हैं। अम्मा गड़ी, अम्मा गड़ी जीजा। घड़ी खम्मा, आशा है आप सब कुशल हैं। महाराणा सा और महारानी सा के आशीर्वाद से सब कुशल और मंगल हैं। व्यर्थ समय गवाने के बजाय हम सीधे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम राजपुतानियों के लिए अंतिम बलिदान का सुअवसर आ गया है। अपने अस्मिता और गौरव की रक्षा के लिए 2 दिन के अंदर ही हम सब स्वयं को अग्नि में समर्पित करेंगे।
हम शत्रु के घृणित सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। राजपूत वीरांगनाएं हंसते हंसते मिटकर अमर होंगी। जौहर, किसी को कोई भय, कोई संशय, कोई विरोध? विरोध कैसा महारानी सा? ये तो हम राजपुतानियों के लिए गौरव का अवसर आया है, अमर होने की बेला आई है, और ऐसे शुभ अवसर का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? महारानी सा, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। क्या सोच रही है रानी सच्चा? जौहर के विचार से भय लग रहा है आपको? कदापि नहीं जीजा। अगर आपको हमारे चेहरे पे चिंता दिख रही है तो केवल बच्चों के विचार मात्र से, बाकी और कुछ नहीं। बच्चों की ही चिंता है हमें महारानी सा। आप ही बताइए, क्या आदेश है हमारे बच्चों के लिए? हमें पता है हमारे बच्चों में ही मेवाड़ का भविष्य छुपा है, इसलिए उनकी सुरक्षा के सारे उपाय किए जाएंगे। वे जौहर में सम्मिलित नहीं होंगे। बस महारानी सा, अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। अब पूरे उत्साह के साथ मेवाड़ की इस परंपरा को गले से लगाएंगे। एक लिंगेश्वर नाथ हमें शक्ति देंगे। एक लिंगेश्वर नाथ जी हमें शक्ति देंगे।
ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है। हम प्रण लेते हैं माता, नहीं करने देंगे हम आपको जौहर। मन में कोई शंका रानी सच्चा? चीजा, आपने रानी भटियाणी को नहीं बुलाया? जहां तक रानी भटियाणी का प्रश्न है, उन्हें भी शीघ्र ही उनकी नियत व्यवस्था की सूचना दे दी जाए। हमने किसी सेवक को पाकशाला में नहीं आने दिया। सारा भोजन हमने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। धीरबाई जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कीजिए। किसी भी तरह का श्रम ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही बच्चे के लिए ठीक है। आपको अधिक से अधिक आराम करने की आवश्यकता है। राणा जी, आपके ललाट पे चिंता की लकीरें हो तो हमें आराम कैसे मिलेगा? जब तक हमारे किले के बाहर शम्स खान की छावनी की लकीर खींची रहेगी, हमारे ललाट से इस चिंता की लकीरें कैसे मिट सकती हैं? क्षमा कीजिए धीरबाई जी, इस समय भूख केवल युद्ध की है। सोते जागते बस यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उस शम्स खान पर निर्णायक वार करेंगे। और राणा जी, कई दिनों से हमें लग रहा है कि हम आपके मन से उतर गए हैं। अब हमारे लिए आपके मन में विश्वास भी नहीं दिख रहा। कहना क्या चाहती हैं आप? हम तो सिर्फ सच कहने का प्रयास कर रहे हैं राणा जी। अब आप महत्व की बातों को हमारे साथ साझा नहीं करते। दो दिन बाद आप शम्स खान के साथ युद्ध पर जा रहे हैं, पर आपने हमें नहीं बताया। संभवतः आपको लगता है कि ऐसी सामरिक महत्व की बातें सिर्फ जयवंत अजीजा के साथ की जा सकती है। एक राजपूत के लिए मर्यादाओं के सम्मान से बड़ा और कोई धर्म नहीं, और मर्यादा के अनुसार प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानने का सबसे पहला हक मेवाड़ की बड़ी रानी जयवंताबाई जी का है। अरे राणा जी, आप तो बुरा मान गए। हम भी आपकी मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। हम भी महारानी हैं आपकी, लेकिन जयवंता जी जा, वो तो हमें अपनी छोटी बहन मान के सारी बातें बता सकती है ना। जो बात जब जिन्हें बतानी है हम बताते हैं बिना। जीजा, आप आज ही हमने औपचारिक रूप से सभी रानियों को बुलाकर राणा जी के युद्ध में जाने और सभी रानियों के जौहर की तैयारियां आरंभ करवाने की बात कही। जौहर? आपने हमें क्यों नहीं बुलाया जीजा? क्योंकि आप जौहर में भाग नहीं लेंगी। परंतु क्यों? जौहर तो राजपूत वीरांगना का अधिकार है, सौभाग्य है, फिर क्यों नहीं जीजा? आप हमसे ये अधिकार नहीं ले सकते जीजा। राणा जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जौहर हर राजपुतानी का अधिकार है। क्षमा करे राणा जी, किंतु क्या आपने नहीं कहा था कि हमें मेवाड़ के सभी उत्तराधिकारियों और बच्चों की रक्षा करनी है? कहा था, अवश्य कहा।
तो फिर हम धीर बाई जी के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को कैसे भूल सकते हैं? जैसे हम कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति और दूसरे राजपुत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, धीर बाई जी के गर्भ की रक्षा भी हमारा धर्म है। आप हमसे जौहर का अवसर ना छीनिए जीजा। राणा जी, आपके जाने के बाद क्या अर्थ रह जाएगा हमारे जीवन का? आपकी धीर बाई जीते शव के समान हो जाएगी। कैसे बिताएंगे आपके बिना ये जीवन? राणा जी, इस विषय में आपका जो निर्णय होगा वही हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। धीर भाई जी, आपके मन में जो हमारे लिए प्रेम, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे बात कीजिए। धीर भाई जी, अपने इस बच्चे को जन्म दें, उसे कुंवर प्रताप का दाहिना हाथ बनाएं, मेवाड़ के भविष्य के लिए, इस अजन्मे बच्चे के भविष्य के लिए, कुंवर प्रताप के लिए आपको जीवित रहना पड़ेगा। कभी कभी देश के लिए प्राण देने से बड़ा बलिदान देश के भविष्य के लिए जीवित रहना होता है, और हम चाहते हैं कि आप ये बड़ा बलिदान दें। क्षमा कीजिए महाराज, आपसे सदा के लिए अलग होने की घटना ने हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। कुछ पल के लिए हम अपने बेटे प्रताप को भूल ही गए थे। हम इस जीवन को कर्तव्य मानकर जिएंगे, आपके आदेश को अपना धर्म मान के जिएंगे। जीवन मृत्यु से कहीं ज्यादा दुखदायक ना हो जाए, हम तब भी जिएंगे हमारे प्रताप के लिए और मेवाड़ के भविष्य के लिए हम ये बलिदान देंगे। धन्यवाद धीर भाई जी, आपने हमारी बात का मान रखा। हमें एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए जाना है, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। हमने उदय सिंह का दावतनामा क्यों कबूल किया? इसमें उसकी कोई चाल भी छुपी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है नायक, मगर पता तो करें कि चाल क्या है। फिर सोचो, मेवाड़ के खानदानी हथियारों का जखीरा हमारे सामने सजा होगा, और फिर उदय सिंह हमसे यह कहेगा कि जो चाहे पसंद कर ले। कैसा मंजर होगा, कितना मजा आएगा, हम तो इस ख्याल से ही मरे जा रहे हैं। एक बात आप सब लोग सुन लें और समझ लें, शम्स खान यहां राष्ट्रीय अतिथि बनकर आ रहे हैं, उनके लिए आपके मन में जो भी व्यक्तिगत भाव हो, लेकिन आज उनके साथ व्यवहार मेवाड़ के राजघराने की मर्यादा के अनुसार हो। कोई भी अतिथि के विरुद्ध जाने का अपराध ना करें, समझ गए आप लोग?
गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर हम आज ही रात को उदय सिंह के किले पर हमला करके किले पर कब्जा कर लें तो वैसे भी उसकी सारी चीजें हमारी हो जाएगी, और वो हथियार जो आपको इतने पसंद है वो तो आपको यूं भी मिल जाएंगे। ना 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 नहीं मिल पाएंगे ना, ये राजपूत जान गंवा देंगे लेकिन अपने बाप दादाओं के हथियार हमारे हाथ नहीं लगने देंगे। ये या तो हथियार गला देंगे या फिर कहीं छुपा देंगे। तुम इस कौम को समझते नहीं हो ना, राजपूत अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत से प्यार करते हैं। अगर हमें इन पे असली चोट पहुंचानी है तो हमें इनका दावतनामा मंजूर करना पड़ेगा और इनकी चाल में शामिल होना पड़ेगा, समझे ना? समझ गया हुजूर। हमें तो अभी से मजा आ रहा है ना, आज हम हथियार हासिल करेंगे और आज की रात हम हथियारों के साथ सोएंगे, कितनी मीठी नींद आएगी। क्षमा करें अन्नदाता। क्या हुआ? वो राजकुमार प्रताप, क्या हुआ राजकुमार प्रताप को? हुकुम, वो क्या? वो महाराज राजकुमार घोड़े पे मेवाड़ की पवित्र तलवार के साथ मुख्य द्वार के बाहर जा रहे हैं। क्षमा करें माता, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो बच्चों से उनकी माताओं को छीन ले। हे ईश्वर, प्रताप ने प्रण लिया था, अब उनको रोकना कठिन है। पर प्रताप तो खानदानी तलवार लेके जा रहे हैं। नहीं मासा, ये संभव है? वो तलवार तो कोई उठा ही नहीं सकता। नहीं कोश, वो खानदानी तलवार है। द्वार बंद करो।
अचानक आकर बाप बेटे के बीच चलते खेल का मजा बिगाड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहूंगा महाराजा उदय सिंह। वैसे खेल क्या खेल रहे थे आप? शमशान और उसके सिपाहियों से बच के कैसे भागना है? आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। चलो माफी मांगो। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। कुंवर प्रताप। आज शमशान हमारे राष्ट्रीय अतिथि अतिथि सत्कार के संस्कार हमने आपको दिए हैं कुंवर प्रताप। भूलिएगा मत। एक इनाज है। कुंवर प्रताप तुरंत महाराज की बात मान ले। हम 41 दिन का फलाहारी व्रत करेंगे आपके लिए। कुंवर जी, एक राजा को युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, युद्ध क्षेत्र के बाहर भी हर पल सूझबूझ की परीक्षा देनी पड़ती है। जब आप में प्रजा की भलाई और कुशल शासन में राणा जी जितनी समझ आ जाएगी, तभी आप समझ पाएंगे कि राणा जी ने जब जब जो जो किया वो सही था या गलत। उदय सिंह जी, क्यों ना तोहफे में आप अपने इन साहेबजादे प्रताप को भी हमें दे दें। हिलना मत यहां से। आपको तो पता है कि हमें ऐसी नायाब चीजों का कितना शौक है। क्या ख्याल है आप सबका? ले ले इस छोटे से बहादुर बच्चे को उदय सिंह से। याद है ना आप सबको उस दिन दरबार में क्या तेवर दिखाए थे इसने? भाई वाह, माशाल्लाह। हुजूर, आप मांग लीजिए कुंवर जी को, महाराज उदय सिंह मना नहीं करेंगे। भाई देखिए, इन सब की भी यही ख्वाहिश है कि आप अपने साहबजादे को तोहफे में हमें दे दें। चलिए शमशान, आदर के साथ हम आपको दरबार में ले चलते हैं। दरबार में तो चलेंगे ही राणा जी, लेकिन आपके बच्चे ने हमें अपना कायल ही बना दिया। इतनी सी उम्र और यह तेवर, भाई वाह, मजा आ गया। और बड़ा मजा आता है हमें गर्म खून के घोड़ों और गर्म खून के बच्चों को सीधा करने में।
मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाया और अपनी मर्यादा भूल गया महाराज। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। गुनाह तो तुझसे हुआ है गुस्ताख, तूने हमारे सरदार पर तलवार उठाने की गुस्ताखी की। रावत जी, हुक्म, रतन सिंह को यहां से ले जाइए, इसका न्याय हम अतिथि सत्कार के बाद करेंगे। शुक्रिया शहजादे, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हमारे दाजीराज ने हमसे कहा है कि आप आज हमारे राज की अतिथि हैं और दाजीराज की कही हर बात को मानना ही हमारा धर्म है। बहुत खूब उदय सिंह, आपका शहजादा तो काबिले फख्र है। कुंवर प्रताप को रानी वास में ले जाइए। शम्स खान, दरबार की तरफ पधारिए। कुंवर प्रताप, क्या किया ये आपने? क्यों उस सैनिक की तलवार के सामने कूदे? कुछ हो जाता आपको तो? क्या हालत हो रही थी आपकी छोटी माँ की? हमारी पुरखों की तलवार कहाँ रख दी आपने? वही जहाँ उसका नियत स्थान था छोटी माँ। जो हुआ सो हुआ, आप पहले राजवैद्य के पास चलिए, आपकी चोट पे लेप लगा देंगे। रानी माँ, आप जौहर करने वाली है, बस यही बात हमें सहन नहीं हो पा रही थी और हम स्वयं को रोक नहीं पाए। माँ नहीं नहीं कुंवर प्रताप, हम तो कहते हैं आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, पर आप शम्स खान और उसकी मृत्यु के बीच क्यों आ गए थे? मर जाने देते उसे, बला टल जाती हमेशा के लिए। अपने प्राणों को संकट में डाल के उसकी जान बचाने की क्या जरूरत थी? दाजीराज के मान सम्मान के रक्षा के लिए शम्स खान को बचाना आवश्यक था। मंजलि माँ, आपको अपने दाजीराज के मान सम्मान का इतना ध्यान है, फिर क्यों आपने उनके आदेशों का उल्लंघन किया? युद्ध, जौहर, साका, ये सभी आपके दाजीराज के निर्णय हैं, फिर क्यों आप उनके निर्णयों के विरुद्ध जा रहे हैं? क्योंकि आप सभी राजपूत वीरांगनाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर करें और हम चुपचाप खड़े रहे, इसमें हमें कोई गौरव नहीं दिखता माँ। और माँ, आपने तो कहा था कि दाजीराज युद्ध करने वाले हैं शम्स खान से, फिर उन्हें अतिथि बनाकर महल क्यों बुलवाया? हम आपसे फिर यही कहेंगे कुंवर प्रताप, अपने दाजीराज के निर्णय पर विश्वास रखें, उनके हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई उचित कारण अवश्य होता है।
महाराज, आप इतनी मोहब्बत के साथ ये सब हथियार दे रहे हैं कि मना करने को जी नहीं कर रहा है। अब आपकी खुशी के लिए ये सब भी ले लेता हूं। ले लो शमशान, ये सब ले लो। महाराज, अगर हमें पता होता कि आपके खजाने में सोने की अशर्फियां न होने से आप इतनी दरियादिली दिखाएंगे तो आपके खजाने में सोने की अशर्फियां कभी ना पहुंचने देते हम। आप तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। सच्चाई तो यह है महाराज कि आपके इन तोहफों को देखकर हम वाकई बहुत खुश हैं। उदय सिंह, मजा आ गया। अब रुखसत की इजाजत चाहेंगे महाराज। क्या है कि इन हथियारों को जल्द से जल्द आजमा के देखने को दिल मचल रहा है। अरे भाई, भेड़ बकरियों को जिबह करके आजमाएंगे। आप राजपूत भी ना, मजाक की बात को भी जंग की बात समझ लेते हो। जीजा, ये बात तो पहले भी खटकी थी हमें। अच्छा जीजा, श्रीजी और शम्स खान कोई नई मैत्री संधि कर रहे हैं? यानी कि अब युद्ध नहीं होगा? जीजा बताइए ना, जौहर भी नहीं होगा? श्रीजी क्या सोच रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं, ये सब हम नहीं बता सकते। विशेषकर तब जब बात बात पर उत्तेजित होने वाले बच्चे सामने हो। कुंवर प्रताप को तुरंत राजवैद्य के पास उपचार के लिए ले जाओ। माँ, हम स्वयं चले जाएंगे। माँ, सच जानना चाहते हैं, हम आपको यूं ही कहीं नहीं जाने देंगे। ये जौहर हम नहीं होने देंगे। मां, नहीं, नहीं होने देंगे। दादा भाई, हम भी आते हैं आपके साथ। सज्जा रानी साहब, जौहर योजना के अनुसार ही होगा। हमें अब अपने बच्चों के साथ अंतिम भोज की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ जीजा, पर शमशान महल में क्या कर रहे हैं? श्रीजी जब उचित समझेंगे बता देंगे। बहुत खूब सिंह, मजा आ गया। एक बात याद रखिएगा शम्स खान। कौन सी बात बताइए? ये सारे शस्त्र मेवाड़ राज घराने के, पीढ़ियों से इनकी पूजा हुई। ये साधारण शस्त्र नहीं है शम्स खान। जब भी इनको प्रयोग में लाने का विचार करें तो प्रयोग में लाने से दो दिन पहले, कम से कम दो दिन पहले इन्हें नींबू के पानी में भिगो के रखना मत भूलना। नींबू के पानी में इस्तेमाल से पहले?
दो दिन तक, तभी अपना उत्तम प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन हथियारों के बारे में इस तरह की बात तो हमने पहले कभी सुनी नहीं। ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे उत्तम हथियार भी आज से पहले तुमने कभी नहीं देखे थे शमशान। नींबू के पानी के क्या मायने हैं? इन शस्त्रों का जो लोह है उस पर अगर नींबू की सही मात्रा का प्रभाव पड़े तो उनकी धार चौगनी हो जाती है, लेकिन अगर उत्तम धार नहीं चाहिए तो इनका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। दो दिन? जी, दो दिन। बाबूजीराज, चीखने से शरीर के विकार निकलते हैं, इसलिए आप चीखने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। वैद्य जी, उस अफगान ध्वज को हमारी मातृभूमि पर लहराते देख मन में जो पीड़ा हो रही है उसके सामने इन छोटे मोटे घावों की पीड़ा कुछ नहीं है। विक्रम जी के आशीर्वाद से वो दिन अवश्य आएगा बाबूजी राज, जब आप मेवाड़ की धरती से अफगान ध्वज उखाड़ फेंकेंगे। बाबूजी राज परिवार के सदस्यों का उपचार करते हुए मैंने अपना सारा जीवन बिताया, किंतु आपके जैसा सूरवीर मैंने दूसरा नहीं देखा। जितनी सहजता से मीराबाई ने विषपान किया था उतनी ही सहजता से आप अपने घाव के इस दर्द को पी रहे हैं। अच्छा वैद्य जी, जब हमारी दादी सा ने जौहर किया था तब थे ना आप? रानी माँ भी कह रही है कि वे जौहर करेंगी, हम उन्हें रोकना चाहते हैं। वैद्य जी, शम्स खान से युद्ध करने में हम भी दाजी राज का साथ देना चाहते हैं, पर हमें कोई कुछ बताता ही नहीं। वैद्य जी, हमारी सहायता कीजिए, हमें बताइए क्या हो रहा है यहाँ। हमारे उपचार कक्ष के मेरे अपने नियम, जब तक मैं आपको ना कहूँ आप बिल्कुल हिलिए डुलिएगा नहीं, जा करके शांति से बैठ जाइए। जाइए। हमले की योजना को हमने जरा बदल दिया है। हमला आज की रात नहीं होगा इनायत। लेकिन हुजूर, हमारी खबर के मुताबिक उदय सिंह हम पर कभी भी और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ना, नहीं करेगा इनायत। हमें लगता है कि उदय सिंह हमसे डर गया है। तुम्हारी तुम्हारी खबरें गलत नहीं है। उदय सिंह ने सोचा जरूर होगा कि हम पे यकायक हमला कर दे, लेकिन जब उसे हमारी फौज की ताकत का इल्म हुआ, हाथ पांव ठंडे पड़ गए उसके। देखा नहीं, महल में हमें बुला के कैसे खातिरदारी कर रहा था हमारी। हमें लगता है हमसे टकराने की तैयारी के लिए अभी उसे बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए हमें खुश रखने की और जंग को टालने की वो हर कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हुजूर कि अब हम उदय सिंह पर हमला करके उसका किला नहीं हथियाएंगे। हथियाएंगे, जरूर हथियाएंगे, और किला क्या, पूरा मेवाड़ हमारा होगा, उस पे कब्जा करेंगे। उदय सिंह को अपनी सोच तक की कीमत चुकानी होगी, हमारे हाथों खत्म होकर। मगर हमला आज की रात में, दो दिन के बाद होगा, जब उसके अपने खानदानी हथियार नींबू के पानी में नहा के जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ इनायत,
तब करूंगा हमला, तब मारूंगा उनको। मगर हुजूर, हथियारों की कमी तो हमारे पास भी नहीं है। नहीं है, हथियार बहुत है हमारे पास, हमने कब कहा कि नहीं है। मगर राजपूतों को तुम के अपने हथियारों से मारना, जिनकी वो इबादत करते आए हैं, सोचो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और फिर दो दिन में फर्क क्या पड़ता है इनायत, शम्स खान नाम है हमारा, शम्स खान। दो दिन तो प्रतीक्षा करेगा शम्स खान, क्योंकि हम पर हमारे अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करने का लोभ आ चुका है उसमें। शम्स खान अभिमान का शिकार है, उसे पूरा विश्वास है कि दो दिनों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि दो दिनों में हमारे मित्र राज्यों की सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी, तब हम शम्स खान को युद्ध में कड़ी टक्कर देंगे। हुकम, असंभव परिस्थितियों में आपने हमें दो दिन दिलवाए हैं तैयारियों के लिए, आपकी कूटनीति अद्भुत। फिर भी युद्ध तलवार के जोर से ही जीते जाते हैं रावत जी, समय हमारी मुट्ठी से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमारे मित्र राज्यों की सेना जितनी जल्दी हो सके हम तक पहुंचनी चाहिए, सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की क्या व्यवस्था है। मान सिंह सोनगरा कब पहुंच रहे हैं? तो कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले हैं हुकम। उत्तम, अति उत्तम। जब तक मान सिंह सभी राजकुमारों को रात के अंधेरे में सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देते हमें चैन नहीं आएगा। युद्ध शुरू होने से पहले मेवाड़ के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप को इस किले से बाहर निकालना आवश्यक है। शम्स खान की उस पर वक्र दृष्टि पड़ चुकी है। किंतु महाराज, क्या कुंवर प्रताप चुपचाप यहां महल से दूर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने को तैयार होंगे? वो भी तब जब उनकी रानी मां यहां महल में जौहर करने को तैयार है और आप स्वयं महल से बाहर उस शम्स खान के साथ घनघोर युद्ध। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कभी तैयार नहीं, इसलिए हमने उनके लिए राजवैद्य से नींद की औषधि तैयार करने के लिए कहा है। जब तक कुंवर प्रताप की नींद टूटेगी वो इस किले से दूर, बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके होंगे। अरे जगत, मुंह ढक के रखो अपना। ये क्या हुआ जगत जी को? औषधि बनाते हुए उसे नींद आ गई। औषधि बनाते नींद आ गई, ऐसा क्या था उस घरण में? उसके गन सूंघते ही तुरंत नींद आ गई उन्हें। अरे कोई है? सुनो, जगत को उठा करके ले जाओ, अंदर सुला दो। वैद्य जी, जगत जी ऐसा क्या बना रहे थे? मैं एक नई औषधि बना रहा हूं, पीड़ा हरण। आप विश्राम कीजिए, नहीं तो आपका ये घाव फिर से हरा हो जाएगा। मैं आता हूं।